हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टाइम टू स्टडी लाइन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस स्कीम की, जिस स्कीम के कारण भारत का युवान, भारत के नौजवान व्यक्ति सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं। तो देखते हैं वो स्कीम कौन सी है। तो वो स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। तो हम अग्निपथ स्कीम के बारे में आज जानेंगे, जो भारतीय सेना से रिलेटेड है। और अग्निपथ स्कीम से के कारण, अग्निपथ स्कीम के कारण आज जो भारत के युवा है वो दंगे कर रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं। देखिए ये बलिया के अंदर कैसे ट्रेन को जलाया गया है। फिर बाद में दूसरी तस्वीरें देखेंगे, अलीगढ़ के अंदर कैसे कार जला दी गई है, सरकारी जो चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन सब चीज़ों के चलते बसों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वाराणसी की ये तस्वीर है। इन सब चीज़ों के चलते रेलवे को 25 से 27 करोड़ जितना नुकसान हुआ है। यह योजना 14 जून को लागू हुई थी, अभी 7 दिन ही हुए। 7 दिन के अंदर ही रेलवे को 25 से 26 करोड़ जितना नुकसान हो चुका है। फिर बाद में हम आगे देखते हैं, ये तस्वीर जो पूरे ट्रेन के डिब्बे को जला दिया गया है। ये युवाओं के प्रदर्शन के कारण बहुत सारी ट्रेनें अफेक्टेड हुई है, कि 5 से 7 ट्रेनों को जला दिया गया है और काफ़ी लोग भी सामान्य देश के अन्य 6 राज्यों में भी चल रहा है। ये तस्वीर जो दिखाई गई यूपी की है, ये यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन सब 6 राज्यों के अंदर भी ये अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। और सबसे दुखद बात तो यह है कि हरियाणा के रोहतक में एक छात्र की इस योजना के विरोध में आत्महत्या कर ली है। एक छात्र ने हरियाणा के आत्महत्या कर ली है। देखते हैं तो यूपी से तीनों सेनाओं में सबसे ज़्यादा जवान, 16% जवान यूपी से जाते हैं। सबसे ज़्यादा विरोध बिहार, यूपी, राजस्थान, इन सब राज्यों में ही हो रहा है। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो नौजवान है वो ज़्यादातर सेना के अंदर जाते हैं। 16% जितने जवान जाते हैं आर्मी के अंदर। टोटल देखा जाए तो 2,18,512 जवान जो है यूपी से जाते हैं। बिहार से 8% और राजस्थान से भी 8% जितना युवा सैनिकों में जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र और पंजाब में 7% जितने जाते हैं और हरियाणा के अंदर 5%, उत्तराखंड के अंदर भी 5% जो है युवा सेना के अंदर जाते हैं। 14 जून 2022 को राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लॉन्च की है। देश की थल सेना, वायु सेना और नौसेना में युवाओं को करियर का सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत जो भी युवा भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना की लॉन्चिंग नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और नौसेना प्रमुख जनरल आर हरि कुमार और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने की थी। यह योजना युवाओं को, मतलब लड़के और लड़कियों दोनों को, तीनों सेनाओं में से जुड़कर देश सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी और साथ ही सेना में करियर का रास्ता भी खोलेगी। तो हम जानते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा। इस योजना के तहत सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अच्छे नौकरी अवसर प्रदान किए जाएंगे और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि 4 साल के लिए वो अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीर की तरह कार्यरत थे। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज़्यादातर नौजवानों को 4 साल के बाद मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जवानों को अपनी नौकरी पर रख लिया जाएगा। मतलब 25% सैनिकों को अपना करियर सेना में ही बनाने के लिए मौका दिया जाएगा और इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। फिलहाल 21 वर्ष का जो एज क्राइटेरिया निश्चित किया गया था, पर युवाओं के प्रदर्शन को देखकर 21 से इस साल के लिए 23 वर्ष आयु कर दिया गया है। तो 17.5 से 23 साल के युवा इस योजना के अंदर भाग ले सके। 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी पास कर चुके हैं 10वीं और 12वीं, वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपया ब्याज के साथ दिया जाएगा। और इन अग्निपथ जो भी अग्निवीर कहलाएंगे, अग्निवीरों को
ट्रेनिंग का जो दरमियान रहेगा 10 हफ्ते से 6 महीने तक का रहेगा, और इनको इन 4 वर्षों के दरमियान आकर्षक वेतन भी मिलेगा। इन अग्निवीरों को पहले वर्ष में 4.76 लाख रुपये वार्षिक पैकेज मिलेगा, जो कि चौथे वर्ष के अंत तक 6.52 लाख रुपये हो जाएगा। और इन अग्निवीरों को सेवा मुक्त किए जाने के बाद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें दूसरी नौकरी प्राप्त करने में भी आसानी होगी। देखेंगे अग्निपथ योजना के जो फायदे हैं वो क्या क्या है। पहला ये है कि 24 साल की उम्र के अंदर नौकरी पा लेंगे युवा, और उनको दूसरी नौकरी पाने के लिए भी बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे। और जो रिटायर मतलब कि 4 वर्षों के बाद में जो भी सैनिक बाहर निकलेंगे सेना से, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर काम भी कर सकते हैं। और 4 साल के अंदर इन अग्निवीरों को 7 से 8 लाख की सेविंग वह केंद्र सरकार देगी। और अग्निवीरों को फ़ायदा यह होगा कि 4 साल के अंदर ही मतलब 21 से 24 साल की उम्र तक होते होते इनके पास 12 लाख रुपए की जमा पूंजी होगी, और उस जमा पूंजी को वह दूसरे किसी कार्य या बिजनेस के अंदर लगाकर अपने करियर को सुधार सकते हैं। और वैसे भी 4 अग्निवीरों में से किसी एक अग्निवीर को तो शामिल किया ही जाएगा, उनकी नौकरी पक्की होगी। अर्थात 100 में से 25 जो अग्निवीर होंगे वो सेना के अंदर कार्यरत रहेंगे, और 75 को घर पर भेज दिया जाएगा। और अग्निवीरों के लिए शुरू होंगे ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, और देश विदेश में भी इसको मान्यता मिल जाएगी। और राज्य सरकार की पुलिस व सहयोगी बलों के अंदर भी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अभी तो राजनाथ सिंह ने और गृह मंत्रालय ने यह बोला है कि CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में भी इन अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इतने सारे इस अग्निपथ योजना के फायदे हैं, तो फिर हमारे भारत के युवा सड़कों पर दंगे या फिर अहिंसा या नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? तो हम जानते हैं इस अग्निवीर योजना के कुछ ऐसे नुकसान या फिर उसके डीमेरिट्स उनको देखते हैं, जिसके लिए युवाएं सड़क पर अहिंसा कर रहे हैं। बड़ी समस्या ये है कि अग्निपथ जो योजना है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3-4 वर्षों से जो विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे भारतीय सेना के अंदर जाने के लिए, तो वह वेट कर रहे होंगे उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए, और यह वेट करते करते उनकी उम्र 23 से अधिक हो गई है, तो वह तो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बन नहीं सकते, तो उनका क्या होगा? वो क्या आर्मी में जाने का सपना छोड़ देंगे? कारण यह है कि उम्र का निकल जाना, और दूसरा कारण यह है कि 4 साल का अगर ये अग्निवीरों का सेवा का कार्यकाल रहा, तो 4 साल के बाद में वो बाहर निकल कर क्या करेंगे? जैसे भी हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो रिटायर्ड जो फौजी रहते हैं उनको या फिर बैंक हॉस्पिटल या फिर स्कूल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़ा कर दिया जाता है। पथ योजना के तहत जिन अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा उनको केवल नॉन कमिश्निंग रैंक के लिए ही रखा जाएगा, मतलब कि सिपाही, नायक, लेंस नायक, हवलदार, इन 4 पदों के लिए ही रखा जाएगा, जो कि आर्मी लेवल के अंदर सबसे छोटे लेवल पर आते हैं। और 4 साल बाद में इनको निकलने के बाद में जॉब के लिए फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो कि जो युवा पहले रोजगार युक्त था वो वापस से बेरोजगार हो चुका है। और भारत में सरकारी नौकरी के साथ साथ भारत में क्या होता है कि सरकारी नौकरी के साथ में फूड, हाउस, ट्रैवल, ये सब भी सुविधाएं दी जाती है, पर इन अग्निवीरों को ये सब सुविधाएं नहीं दी जा रही है। अब हम बात करते हैं सरकार को इस अग्निपथ योजना से क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनको सेना के अंदर नए जवानों को रिक्रूट नहीं करना पड़ेगा। अगर वो जवानों को इस प्रकार से रिक्रूट करेगी जैसे हमारे अभी करते आ रहे, तो उनको उन जवानों के रिटायर होने के बाद में पेंशन देना पड़ेगा। तो अगर वो अग्निवीरों को अगर इस प्रकार से रिक्रूट करेगी तो उनको पेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस प्रकार भारत सरकार का पेंशन का जो लोड होगा वो बहुत कम हो जाएगा। और वैसे भी इंडियन डिफेंस बजट 2022-23 के अनुसार 5.25 लाख करोड़ का बजट होगा डिफेंस के अंदर, तो उसमें से 1.5 लाख करोड़ तो पेंशन के अंदर ही चला जाएगा। तो इस प्रकार सरकार के ऊपर बहुत बड़ा लोड हो जाता है पेंशन को लेकर, तो उनकी समस्याएं सरकार के लिए दूर। हमारे आम जनता का कहना है कि अगर उनको पेंशन के पैसे ही बचाने हैं, तो वह जो सरकारी नेता है, जो MP, पॉलिटिशियंस, MLA, ये सब है, उनका जो वह केवल एक टर्म के लिए चुने जाते हैं, और उनको पेंशन हमेशा लाइफ टाइम चालू रहती है, तो उनकी पेंशन को क्यों नहीं बंद कर देते?
थे। अगर कोई एमपी या एमएलए कोई 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने 6 महीने के लिए भी चुना जाता है और वो पद से इस्तीफा दे देता है या फिर रिटायर हो जाता है, तो भी उनकी पेंशन लाइफ टाइम चालू रहती है। उस पेंशन को रोक दीजिए, जिससे उस पेंशन को हम डिफेंस के अंदर यूज़ कर सके। और जिस प्रकार सरकार ने अग्निपथ अग्निवीर योजना चालू की, उसी प्रकार नेतापथ या नेतावीर योजना चालू कर दे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो अग्निवीर होंगे, अग्निवीरों को न पेंशन मिलेगा न फिर उनको कोई सुविधाएं मिलेगी। साल के अंदर भर्ती होने वाला कोई भी नौजवान अगर 4 साल के बाद वह जो नौकरी छोड़ देता है, उसके बाद में अगर वो फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई एंटी सोशल चीज़ों के अंदर जुड़ गया, तो हमारे क्या होगा कि हमारे जो सेना के जो सीक्रेट्स है या फिर कोई जानकारी है वो फूट जाएगी। हम देखते हैं सैनिक और अग्निवीर के बीच में क्या अंतर होता है। जो भारतीय सेना के अंदर सामान्य रूप से शामिल होते हैं वो और अग्निवीर होंगे, उन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। तो पहली बात है सैलरी। सैलरी की बात करें तो जो रेगुलर सैनिक होगा उसकी टोटल मंथली सैलरी 25,000 रुपया होती है और उसके हाथ में आती है 21,700 रुपया जितना। और जबकि अग्निवीर होगा उसकी मंथली सैलरी होगी 30,000, उसके हैंड में आएगी 21,000 जितना। और जो सामान्य रेगुलर सैनिक होता है उसकी सैलरी में इंक्रीज होता रहता है, लेकिन जबकि अग्निवीर जो सैनिक रहेगा उसकी सैलरी एकदम कॉन्स्टेंट रहेगी, वो फिक्स रहेगी। मतलब पहले साल के अंदर 30,000 जितना, फिर चौथे साल के अंत तक 40,000 जितना हो जाएगा। और उसी प्रकार जो सामान्य सैनिक रहता है उनके नौकरी का जो समय होता है 19 साल जैसा रहता है, जबकि अग्निवीर का फिक्स मतलब 4 साल कर दिया है, 4 साल के बाद में 75% को निकाल दिया जाएगा और 25% युवाओं को सेना में रख लिया जाएगा। और ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो रेगुलर जो सैनिक होता है उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है 11 महीने जितना, और अग्निवीर जो सैनिक होता है 6 महीने के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो सामान्य सैनिक रहता है उनको आजीवन पेंशन चालू रहता है, जबकि अग्निवीरों को पेंशन नहीं दिया जाता। ये पेंशन की वजह से ही शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अग्निपथ स्कीम को लागू किया है। इंश्योरेंस की जो रकम रहती है, रेगुलर सैनिक को 20 लाख रुपए दिया जाता है, जबकि अग्निवीर को 48 लाख रुपए दिए जाते हैं पेंशन के इंश्योरेंस के रूप में। शहीद होने पर जो रेगुलर सैनिक रहेगा वो रैंक के हिसाब से उनको जो पैसा मिलेगा, मतलब वैसे नॉर्मली देखें तो 24 से 45 लाख रुपए होता है, जबकि अग्निवीर सैनिक को 44 लाख रुपए नौकरी पर बंधा होगा तब दिया जाएगा। और छुट्टियों की बात करें तो अग्निवीर जो सैनिक है उनके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है कि इनको इतना अवकाश मिलेगा, जबकि रेगुलर सैनिक होगा साल के अंदर 90 छुट्टियां ले सकता है। और अगर कैंटीन की बात करें तो कैंटीन सुविधाएँ अग्नि जो सैनिक रहते सामान्य सैनिक उनको आजीवन फ्री रहता है, जबकि अग्निवीर को केवल नौकरी के टर्म के दरमियान ही रहेगा। आर्मी स्कूल बच्चों के लिए कोटा दिया जाता है रेगुलर सैनिक को, जबकि अग्निवीर के साथ ऐसा कोई स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है कि उनको कोई कोटा वोटा मिलेगा। जबकि मेडिकल सुविधाएं रेगुलर सैनिक के लिए आजीवन फ्री रहती है, जबकि जो हमारे अग्निवीर सैनिक है उनके लिए केवल नौकरी तक ही, नौकरी के 4 साल दरमियान ही मेडिकल सुविधाएं फ्री दी जाएगी, बाद में नहीं दी जाएगी। भारत देश हमारा डेमोक्रेसी देश है, तो यहाँ पर हमको सरकार की योजनाओं का विरोध करने का पूरा अधिकार है, पर इस विरोध के चक्कर में अहिंसा करना ये पूरी तरह से गलत है। इस अहिंसा के चक्कर में रेलवे को 25 से 27 करोड़ जितना नुकसान हो चुका है, और जो जनता को जो नुकसान हो रहा है, आम आदमी को आने जाने के अंदर जो परेशानियाँ हो रही है वो बात तो अलग है। तो हम सभी युवकों को कहना चाहते हैं कि इस प्रकार अहिंसा न करके शांति से बात करो या इस प्रकार अहिंसा न करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो।